इंस्टाग्राम पर आपके प्रोफाइल के ऊपर आज एक ऐसा नोटिफिकेशन आ रहा होगा जिसमें लिखा है शो अदर क्रिएटर्स योर ओपन टू कोलैबोरेटिंग। आप दूसरों को शो कर सकते हो कि आप कोलैबोरेशन करते हो। देन इसके बाद लिखा है डिस्प्ले ए स्टेटस टू लेट अदर्स नो डेट योर इंटरेस्टेड इन वर्किंग टूगेदर। आप दूसरों को ये पता लगा सकते हो, ये उनको बता सकते हो कि आप उनके साथ काम करने के लिए तैयार है, मतलब आप उनके साथ काम करने में रुचि रखते हैं। देन यहाँ पर आपको ट्राई इट पे क्लिक कर देना है। मेरे को लगता है कि काफी लोगों से ये जो नोटिफिकेशन है मिस हो गया है, उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं था, उन्होंने इसको कट कर दिया। डोंट वरी गाइस, अगर ये नोटिफिकेशन आपसे मिस हो गया है आपको कहां से लेकर आना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सिंपली जैसे आप ट्राई इट पे क्लिक करते हो तो यहां पर गाइस आपको आगे इस तरह से लिखा आएगा ओपन टू कोलैबोरेटिंग। सिंपली इसको आपको ओपन कर देना है, इस तरह से आपको ऑन कर देना है। देन जैसे ही आप इसको ऑन कर देते हो, अब ये बोल रहा है कि आपकी प्रोफाइल पर एक ऑप्शन शो करेगा जिसके थ्रू कोई भी आपकी प्रोफाइल को सर्च बार में सर्च करता है, देन आपके आईडी पे कोई भी विजिट करता है उसको पता चल जाएगा कि आप कोलैबोरेशन करते हो। देन आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट कर देते हो, यहाँ पर आप बैक करते हो तो यहाँ पर देखिए अब आपकी प्रोफाइल पे इस तरह से कैटेगरी के बराबर में लिखा आएगा ओपन टू कोलैबोरेटिंग, ये ऑटोमेटिक लिखा आएगा। अब इसका फायदा क्या है वो तो मैं आपको बताने वाला हूं, बट अगर गलती से आपसे ये ऑप्शन मिस हो गया है, गैस मेरे से भी मेरी जो मेन वाली आईडी है उस पर ये मिस्टेक हो गया था, मेरे को ये फीचर आ रहा था और मेरे से बैक हो गया है। इसके बाद मैंने क्लिक किया, अपनी प्रोफाइल पे विजिट किया तो मेरे को ये नहीं मिल रहा था। लेकिन अब आपको करना क्या है, सिंपली गाइस मैं आपको बताता हूँ। सिंपली गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर आपसे ये नोटिफिकेशन मिस हो गया है इस ऑप्शन को आपको ऑन करना है। यहाँ पर आपको एडिट प्रोफाइल में जाना है। अब जैसे ही आप एडिट प्रोफाइल में आते हो तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, देन यहाँ पर आपको कोलैबोरेशन स्टेटस लिखा आ रहा होगा, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको ओपन टू कोलैबोरेटिंग को इस तरह से ऑन कर लेना है। मेरे को पता था आप लोगों से पहले मिस हो गया था, तो इस तरह से आप इसको ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पर ये मेरी मेन प्रोफाइल पर भी ऑन हो गया है, ओपन टू कोलैबोरेटिंग लिखा आ गया है। कोलैबोरेटिंग के बारे में जो बड़े क्रिएटर हैं वो तो जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं जानते चलिए मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए गाइस, आपने इस ऑप्शन को ऑन कर दिया है। अब देखिए गाइस, इंस्टाग्राम पर इसमें जो जो लिखा है मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। देखिए आपकी आईडी पे कोई भी विजिट करता है तो अगर वो ब्रांड वाला है तो वो आपके आईडी पे इस तरह से स्क्रॉल करेगा, मतलब ऐसे नीचे जाएगा, स्क्रॉल करके देखेगा कि आप कंटेंट कैसा प्रोवाइड करवाते हो। अब अगर उसको इंटरेस्ट आता है आपके कंटेंट में, फॉर एग्जाम्पल आप फैशन वीडियो बनाते हो, लाइक आप ऐसी वीडियो बनाते हो जिसमें आप मॉडलिंग करते हो। अब मॉडलिंग में आप सभी को पता है कैप, सनग्लास एंड अगर गर्ल्स हो तो लिपस्टिक, मेकअप, इसके अलावा टी शर्ट, जीन्स और लोअर, शूज, इस तरह में आता है फैशन में। तो गाइस अब अगर कोई भी ब्रांड आता है, वो फैशन वाला उसका ब्रांड है, उसका वो प्रमोशन करवाना चाहता है, आपके आईडी पे विजिट किया, उसको लगा कि आप जो है ना मॉडलिंग वीडियो बनाते हो फैशन, आपके ऊपर अगर हम ब्रांड को अपना प्रमोशन करवाए तो सबसे पहले तो वो देखेगा अगर इस तरह से लिखा रहा है ओपन टू कोलैबोरेटिंग आपके आईडी पे, उसको पता चल जाएगा कि आप लोग कोलैबोरेशन करते हो। एंड पहले क्या होता था, काफी लोग कोलैबोरेशन करने के लिए अपनी प्रोफाइल में लिखते थे डीएम फॉर पेड प्रमोशन, डीएम फॉर कॉल, इस तरह से वो लिखते थे। अब आपको अपनी प्रोफाइल की बायो में डीएम फॉर पेड प्रमोशन नहीं लिखना है, सिंपली अब इंस्टाग्राम ने ही ये आपको फीचर दे दिया है, इस तरह से लिखाएगा ओपन टू कोलैबोरेटिंग। आपकी आईडी पे कोई भी विजिट करेगा ब्रांड वाला, जो ब्रांड वाला है जो प्रमोशन करवाना चाहते हैं अपने ब्रांड का, आपकी आईडी पे कोई भी विजिट करता है एंड वो रीड करता है ओपन टू कोलैबोरेटिंग, उसको पता चल जाएगा कि आप कोलैबोरेशन करते हो, इसमें आपको रुचि है। देन उसके बाद वो कंटेंट चेक करेगा, उसके बाद वो आपसे क्या बोलेगा, आपको डायरेक्टली डीएम कर देगा। डीएम करके वो आपसे कैसे भी कॉन्टेक्ट करेगा, आपने कॉन्टेक्ट में अगर अपना ईमेल, फोन नंबर, मैसेज बॉक्स दे रखा है, या फिर वो आपको डीएम करेगा, डीएम में आपको बता देगा कि मेरा ये ब्रांड है इसका आप प्रमोशन कर दीजिए। सबसे पहले तो आपका कंटेंट ही चेक करेगा, वो कंटेंट चेक करने के बाद उसके बाद वो आपको आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, अगर कंटेंट में उसको इंटरेस्ट आया कि मेरा जो ब्रांड है इसके अकाउंट पे चल जाएगा, अगर मैं प्रमोशन करवाऊंगा मेरे ब्रांड को काफी फायदा हो जाएगा, इस तरह से वो देखते हैं। एंड लास्ट वीक में आपके जो रील्स पे व्यूज आते हैं वो देखते हैं, एंड आपके अकाउंट का जो रीच है और एंगेजमेंट है वो भी वो चेक करते हैं, तो सारा रिजल्ट आपसे वो स्क्रीनशॉट के थ्रू ले लेते हैं।
इस तरह से आप किसी के साथ कोलेब्रेशन कर सकते हो, उसके ब्रांड को प्रमोट करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अब कोई भी ब्रांड आपके पास आता है तो पहले आप व्यूज़ देखिए, अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग उसके साथ डील कीजिए कि इतने डील करूँगा, वो आपको स्टोरी में बोलेगा, रील्स में बोलेगा, पोस्ट में बोलेगा, जहाँ पर भी वो आपको बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आप बोलिए कि भाई आपके ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए इतने पैसे लूँगा, मैं आपके साथ कोलेब्रेशन करने के लिए रेडी हूँ। इसके अलावा कोई छोटे छोटे क्रिएटर आते हैं, आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं पर रील्स पे अच्छे खासे व्यूज आते हैं, तो अगर छोटे छोटे क्रिएटर भी आपके पास आते हैं कि हमारी आईडी का प्रमोशन कर दीजिए, फॉलोअर्स बढ़वा दीजिए, तो उसके साथ भी आप कोलेब्रेशन कीजिए एंड उसकी आईडी को प्रमोट करने के भी आप पैसे लीजिए। तो इस तरह से इस फीचर का आप यूज़ करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। काफ़ी हद तक यार मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा है, आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर ये फीचर आपको नहीं मिला है, इंस्टाग्राम को अपडेट कर लो मिल जाएगा, तब भी नहीं मिल रहा है तो थोड़ा वेट कर लो तब आपको ये मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए।